बच्चों, आज हम कक्षा 4 की विज्ञान विषय में पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पदार्थों के गुण। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था कि ये ठोस, द्रव और तीन अवस्थाएं होती है। यहाँ देखिए, ये सब बच्चे, ये जल का ये ठोस रूप बर्फ, और फिर बर्फ पिघल कर वापस ये द्रव में बदल जाता है, और जब ये जल को हम गर्म करते हैं तो ये गैस में बदल जाता है। तो इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। सब बच्चे किताब में उंगली रखिए। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ देखते हैं, वे ठोस, द्रव अथवा गैस हैं। ठोस, द्रव और गैसीय स्थिति परस्पर परिवर्तनीय, परिवर्तनीय यानी बदलते रहते हैं। ठोस जो होता है वो द्रव में बदलता है, और द्रव है जो गैस में बदलता है। जो ऊष्मा प्राप्त करके अथवा ऊष्मा खोकर बदलती है। पदार्थ भौतिक तत्वों से बने होते हैं। हम पदार्थों को स्पर्श से, रंग या उसकी गंध से पहचान सकते हैं। स्पर्श, रंग और गंध आदि विशेषताएं जिनसे हम किसी पदार्थ की पहचान कर सकते हैं, पदार्थों के गुण कहलाते हैं। कि पदार्थों को हम जिन विशेषताओं के कारण पहचानते हैं बच्चों, तो वो हो गया पदार्थों का गुण। आगे देखिए, हम पदार्थों के गुणों का अध्ययन छूने से, देखने से, हथौड़ा मारने से, गर्म करने और उनकी आपस में मिश्रण से कर सकते हैं। गुब्बारे या ट्यूब में भरी वायु को आप हाथ से दबा सकते हो, किंतु चारों ओर की वायु को नहीं। कि जो गुब्बारे या ट्यूब में जो वायु होती है बच्चों, तो उनको हम हाथ से ऐसे दबा सकते हैं, लेकिन जो हमारे चारों ओर वायु है उसको हम नहीं दबा सकते, क्योंकि हवा को हम, वायु को हम देख नहीं सकते। आगे देखिए, किसी पदार्थ को उसके निम्नलिखित गुणों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। कि अगर पदार्थों की पहचान हम, देखो बच्चों, स्पर्श यानी छू कर सकते हैं, उसकी गंध से सूंघ कर सकते हैं, या रंग से रंग देख कर हम पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। तो अब इसमें देखो, पहला आता है स्पर्श करके। तो कुछ पदार्थों को स्पर्श करके यानी छू कर पहचाना जाता है। छूने से शीशा, पत्थर, धातु के बर्तन या लकड़ी आदि कठोर पाए जाते हैं। धातुओं का यह गुण कठोरता कहलाता है। रुई, मोम एवं स्पंज आदि नरम पदार्थ हैं, इनका यह गुण मृदुता कहलाता है। कठोर पदार्थों की आकृति परिवर्तित नहीं की जा सकती है, जबकि नरम वस्तुओं को दबाने से उनका आकार परिवर्तित किया जा सकता है। हम अपने चारों ओर की वायु को हाथों से नहीं दबा सकते हैं। तो देखो बच्चों, कि स्पर्श करके छू के हम पदार्थों को पहचान सकते हैं। ये देखिए, जैसे ब्रेड है, तो हम आंखें बंद करके अगर इसको स्पर्श करते हैं, छू कर देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ब्रेड है, ये बटर है, ये देखिए लकड़ी का टुकड़ा है। तो हम आँखें बंद करके जब इसको हाथ लगाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये लकड़ी है, ये मटकी है, मिट्टी का बर्तन, ये किताब है, और ये रुई है। तो जो कठोर पदार्थ होते हैं बच्चों, उनको हम उनके आकार को दबाकर परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन जो नरम वस्तु है, जैसे मोम है, रुई, स्पंज, ये जो है, इनको हम दबाते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, और वापस छोड़ते हैं तो ये फैल जाते हैं। तो जो नरम पदार्थ है उनको हम दबाकर उनका आकार बदल सकते हैं। फिर अगला देखिए, देखकर, कि पदार्थों को उनके रंगों के आधार पर देखकर पहचाना जा सकता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है, सरसों के तेल का रंग पीला होता है। इसी प्रकार अधिकांश सब्जियां हरे रंग में तथा फल लाल या पीले रंग में पाए जाते हैं। इस प्रकार पदार्थ एक निश्चित रंग तथा आकार में पाया जाता है। तो अब देखो बच्चों, कि देखकर भी हम पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। कि दूध जो होता है, अगर किसी बर्तन में दूध है, तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो उसके रंग को देखकर हम पहचान लेते हैं कि दूध है। सरसों का तेल, उसका रंग पीला होता है, तो अगर उस जिस बर्तन में वो है उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, फिर भी हम उसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये सरसों का तेल है। और सब्जियाँ जैसे हरे रंग की होती है, तो अधिकतर सब्जियों को हम देखकर पहचान सकते हैं। फल लाल और पीले रंग के होते हैं, तो उनको भी हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन सा फल है। नए पेज पर यहाँ देखिए, ये एक शीशे में दूध है,
तो इसका रंग सफेद, हम रंग देखकर पहचान लेंगे कि ये दूध है। ये एक तेल का डिब्बा है, इस पे सिर्फ तेल लिखा हुआ है, इस पे ये नहीं लिखा कि इसमें कौन सा तेल है। तो इस तेल का रंग देखकर हम पहचान लेंगे कि ये सरसों का तेल है, ये सब्जी है, हरे रंग की सब्जी होती है, और ये देखो फल है। तो इस तरह देखकर हम पदार्थों को पहचान सकते हैं। फिर अगला देख के सूंघकर, कि सूंघकर हम कौन कौन से पदार्थों को पहचान सकते हैं या किस तरह पहचान सकते प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक विशेष गंध होती है, गंध यानी सुगंध होती है उसकी। मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल में अलग अलग प्रकार की गंध होती है। शादी के निमंत्रण पत्र को सूंघ कर बताया जा सकता है कि उसमें चमेली का तेल लगा है अथवा गुलाब का। जो गंध हमें पसंद होती है वह सुगंध तथा जो पसंद नहीं होती वह दुर्गंध कहलाती है। जो गंध हमें पसंद होती है, जो हमें अच्छी लगती है, जैसे चमेली का तेल या गुलाब है, तो इन तरह की ये जो इनकी गंध होती है वो हमें अच्छी लगती है तो वो क्या कहलाती है? सुगंध। और जो हमें पसंद नहीं होती है गंध, तो वो क्या कहलाती है? दुर्गंध। देखिए आगे कि रसोई गैस एवं रबड़ आदि जलाने तथा कूड़े कचरे से दुर्गंध आती है। कि रसोई गैस, अगर रसोई गैस उसमें से रिसाव होता है तो हमें पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है, और अगर रबड़ और कूड़े कचरे को जलाते हैं तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो जो हमें पसंद नहीं होती वो दुर्गंध कहलाती है, जो गंध, और जो गंध अच्छी लगती है वो क्या कहलाती है? सुगंध। आगे देखिए चक्कर, कि चक्कर भी हम पदार्थों को पहचान सकते हैं। कुछ पदार्थों को चक्कर पहचाना जा सकता है। सभी पदार्थों में अपना एक निश्चित स्वाद पाया जाता है। चीनी मीठी, इमली खट्टी, नीम की पत्तियां कड़वी तथा नमक नमकीन स्वाद में होता है। शुद्ध जल का कोई स्वाद नहीं होता है। कि चक्कर देखो जो पदार्थों को पहचान सकते हैं, शक्कर और नमक देखो दोनों का रंग सफेद होता है, लेकिन इनको हम कैसे पहचानेंगे? चक्कर। अगर चीनी को चखा तो वो हमें मीठी लगेगी और नमक है वो कड़वा लगेगा, खारा लगेगा। इसी तरह देखो इमली है तो इमली को हम चक्कर पहचान सकते हैं। तो इस तरह कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम चक्कर उनकी पहचान कर सकते हैं। आगे देखिए अगला देखिए ऊष्मा का प्रभाव। लोहा या तांबा आदि से बनी वस्तुओं का एक सिरा गर्म करने के कुछ समय बाद दूसरा सिरा स्वयं गर्म हो जाता है। कि आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि एक लोहे की छड़ होती है, अगर हम उसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के सुचालक, उसमें ऊष्मा चलती रहती है। लकड़ी, पत्थर तथा शीशा आदि का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं हो पाता है। ऐसे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। कि देखो लकड़ी, पत्थर जो है उनको हम गर्म करते हैं, लकड़ी का एक सिरा गर्म करा तो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा तवा होता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं, तो उसके भी डंडी लगी होती है तो उसके हत्थे पर लकड़ी का वो लगा रहता है, और चाय की भगोनी होती है तो उसका जो पकड़ने का हत्था होता है उस वो कैसा होता है? प्लास्टिक का, क्योंकि ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक है। तो देखिए ये लोहा, तांबा ये तो हो गए ऊष्मा के सुचालक, और लकड़ी, पत्थर, शीशा ये क्या है? ऊष्मा के कुचालक। अगले पेज पर आ जाइए। अगला देखिए जलाकर या गर्म करके, कि कुछ पदार्थों को जलाकर या गर्म करके पहचाना जा सकता है। जलाने पर लकड़ी, कोयला, कागज या कपड़ा आदि जल जाते हैं, ये ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। देखो बच्चों लकड़ी, कोयला, कागज और कपड़ा ये क्या है? जब हम इनको जलाते हैं तो ये क्या होते हैं? जल जाते हैं। तो जो जलने वाले पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं ज्वलनशील पदार्थ। लोहा, पत्थर तथा जल आदि को जलाया नहीं जा सकता है, अतः ये अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। कि लोहा और पत्थर जो है इनको हम अगर जलाने की कोशिश करते हैं तो ये जलते नहीं है, तो ये क्या हो गए? अज्वलनशील पदार्थ। तो जो पदार्थ जल जाते हैं आसानी से वो होते हैं ज्वलनशील, और जो नहीं जलते हैं वो होते हैं अज्वलनशील पदार्थ। आगे देखिए हथौड़े से पीटना। कुछ पदार्थ जैसे कांच एवं पत्थर आदि को हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं।
ऐसे पदार्थ भंगुर कहलाते हैं कि जो पदार्थ जिनको पीटने से वो उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो वह ऐसे पदार्थ कहलाते हैं भंगुर पदार्थ। और आगे देखिए, कुछ पदार्थों जैसे सोना, चांदी, तांबा एवं लोहा आदि हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ घात वर्ध्य पदार्थ कहलाते हैं। तो घात वर्ध्य यानी होता है बच्चों चोट मारना, है ना। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, तो इन पदार्थों को जब हम हथौड़े से मारते हैं तो ये अलग अलग टुकड़े नहीं होते, ये फैलकर एक पतली चादर का रूप ले लेते हैं, तो ये पदार्थ कहलाते हैं घात वर्ध्य पदार्थ। अगला देखिए, आर पार देखकर। कुछ पदार्थ जैसे शीशा, पॉलीथीन की पन्नी, स्वच्छ जल आदि के आर पार देखा जा सकता है, ये पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शीशा, कांच जो होता है तो उसके हम आर पार देख सकते हैं, पॉलीथीन जो होती है उसमें भी हम आर पार देख सकते हैं, और स्वच्छ जल साफ जो पानी होता है उसके अंदर अगर नीचे कुछ है तो जैसे स्वच्छ जल है उसके अंदर हमने एक सिक्का डाल दिया तो वो हमें साफ दिखाई देता है। तो जो जिनके हम आर पार साफ देख सकते हैं तो वो कहलाते हैं पारदर्शी पदार्थ। लकड़ी, गन्ना एवं बर्तन आदि के आर पार नहीं देखा जा सकता है, अतः ये अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। लकड़ी, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लो, या फिर गन्ना है, या बर्तन है, या फिर दीवार है, तो इनके क्या है कि हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ये ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। तो देखो बच्चों, पारदर्शी कि जिनके आर पार हम ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं तो वो गए पारदर्शी, और ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, लकड़ी है, बर्तन है, तो वो हो गए अपारदर्शी पदार्थ। तो ये हमने पढ़ा पदार्थों के गुण के बारे में, इसके आगे हम मिश्रण इसका अध्ययन हम अगले दिन करेंगे। तो आप सब बच्चे वापस से पदार्थों के गुण के बारे में वापस से अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है।